ये कहानी 1995 में लंदन से शुरू होती है, जहां कुछ बच्चों के साथ एक महिला होटल में आती है और रिसेप्शनिस्ट से एक कमरा मांगती है जिसे उसके पति ने बुक किया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यंग परिवार के लिए कोई भी बुकिंग नहीं है। ठीक उसके बाद होटल मैनेजर आता है और फिर समस्या के बारे में पूछता है। वह बताती है कि उसका नाम मिस एलेनोर यंग है और वह सूट दिखाने के लिए उनका इंतजार कर रही है। उसका परिवार बहुत थका हुआ था, पर मैनेजर अपने शब्दों पर अड़ा हुआ है कि उन्होंने गलती की है और वह उसे कोई दूसरे होटल को देखने का सजेशन देता है। वह उसे फोन भी नहीं देते जिससे वह अपने पति को फोन करके बुला सके। होटल स्टाफ उनके साथ रूडली बिहेव करता है, जो फिल्म में सस्पेंस बनाना शुरू कर देता है। एंड में वह होटल से बाहर आती है तो देखती है कि जोर की बारिश हो रही है, पर वह अपने छोटे बच्चे के साथ पब्लिक फोन पर जाती है और फोन लगाती है। वह गुस्से में अपने पति को बुलाकर वापस आती है, पर मैनेजर उसे होटल छोड़ने के लिए जोर देता है। अचानक होटल का मालिक लिफ्ट से बाहर आता है और सबको बताता है कि यंग फैमिली ने उनका होटल खरीद लिया है। इस घटना से होटल का स्टाफ सदमे में आ गया, बोले तो अरमान बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पर यहाँ पे तो पूरी जिंदगी बदल दी। अगले सीन में हम एक आदमी और महिला को पोकर नाम के एक फेमस गेम को खेलते हुए देखते हैं, जहाँ महिला जीत जाती है और ये पता चलता है कि वे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाती है। यह रेचल च्यू है और यह दूसरा आदमी उसका बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम निक यंग है। निक एक मल्टी बिलियनर फैमिली से है जो सिंगापुर में बसे है। रेचल को उसकी दौलत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन वह उससे बेपरवाह प्यार करती है। जल्द ही सिंगापुर का एक पत्रकार चुपके से आता है और उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ निक की पिक्चर ले लेता है। यह खबर बहुत तेजी से फैलती है और सभी को पता चल जाता है कि निक किसे डेट कर रहा है। वापस सिंगापुर में निक की मम्मी और उसके सभी रिश्तेदार रेचल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक नहीं रखती है। दूसरी तरफ कॉलिन निक का भाई है और उसकी शादी होने वाली है, इसलिए निक ने रेचल को अपने साथ सिंगापुर ले जाने और उसे अपने परिवार से मिलवाने का फैसला किया। रेचल को लगता है कि निक का परिवार उसे पसंद करेगा, क्योंकि वह भी उन्हीं की तरह चाइनीज औरत है। निक और रेचल एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां वे फर्स्ट क्लास में बैठे। यह रेचल के लिए सपने जैसा था। वह निक से कहती है कि मुझ जैसी गरीब को यहाँ कहाँ लेके आ गए तुम, वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। निक बताता है कि उसके परिवार का एयरलाइंस के साथ बिजनेस है, इसलिए ये सब उसके लिए फ्री है। रेचल पूछती है क्या उसका परिवार अमीर है, जिसके जवाब में उसने कहा कि वे कंफर्टेबल है। साफ था कि निक के परिवार के पास $1 बिलियन की नेटवर्थ है। जब रेचल उसके परिवार को थोड़ा और जानने पर जोर देती है, फिर निक अपने परिवार के बारे में बताने लगता है। यह उसका कजन एलेस्टर है, जो ताइवान में फिल्में बनाता है। यह एडी है, वह एक पारिवारिक लौंडा है और उनके फैमिली बिजनेस में फाइनेंस का काम करता है। यह एस्ट्रिड है, वह बहुत डाउन टू अर्थ है। निक के सभी कजन्स की तुलना में उसका दिल सबसे बड़ा है। वह बेहद अमीर है और बहुत पैसा कमाते हैं। और फिर वे चेंजी एयरपोर्ट पहुंचे सिंगापुर में। वहां उनका स्वागत उसका कजन भाई कॉलिन और उसकी गर्लफ्रेंड करती है, जिनकी शादी में वे इनवाइटेड है। रेचल को उनके पसंदीदा खाने, डिजर्ट्स और बहुत कुछ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसे खाने की डिलीशियसनेस बहुत पसंद आती है। वह थोड़ी बातचीत करते हैं और अपनी शानदार मुलाकात के लिए टोस्ट बनाते हैं। इस बीच कॉलिन की गर्लफ्रेंड बताती है कि यह पहली बार है जब उसने निक को इतना खुश देखा था, और यह रेचल की प्रेजेंस के कारण था। इसके बाद रेचल को कॉलिन की गर्लफ्रेंड द्वारा एक पार्टी में इन्वाइट किया जाता है। आगे हम एस्ट्रिड और उसके पति को देखते हैं। वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक नहीं रखता था। वह अपने पति को एक महंगा गिफ्ट देती है, जिसके लिए वह थैंकफुल है। अगले दिन सिंगापुर में रेचल और निक दोनों अपने घर जाते हैं। इस बीच निक रेचल को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ देता है। वह उसे अपने शानदार घर में इनवाइट करते हैं। रेचल वहां पहुंचती है और देखती है कि यह परिवार बहुत फ्रेंडली है, और पापा जी ने अपने बेटे को रेचल से मिलवाने की भी कोशिश की। वह आई लव यू कहकर रिएक्ट करता है। इसके ठीक बाद उसने खुलासा किया कि वह जिस लड़के को डेट कर रही है वह निक यंग है, जिसे देखकर हर कोई वास्तव में हैरान रह गया। उन सभी ने बताया कि वह पूरे सिंगापुर में सबसे अमीर परिवार है। थोड़ी देर बाद में उसकी दोस्त उसे पहनने के लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस देती है, जो रात में पार्टी में बहुत अच्छी लगेगी। रेचल की दोस्त पीक उसे पार्टी में छोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, जहां वे दो डरावने दिखने वाले गार्डों से मिलते हैं, जो कार की विंडो से झांक रहे होते हैं। 200 करोड़ की जमीन देखकर दोनों वाकई हैरान रह जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। रेचल को पार्टी में लेने के लिए निक बाहर आता है। वहां उन्होंने निक को भी पार्टी में
खाने का न्योता दे दिया। घर के अंदर वाकई कमाल की पार्टी चल रही है, लेकिन निक रेचल को ले जाता है और उसे उसकी माँ से मिलवाता है। उस समय वह शेफ के काम पर नजर रख रही थी। जब रेचल इकोनॉमिक्स के बारे में अपने जुनून के बारे में बताती है तो उसे इसके लिए थोड़ी डांट भी पड़ती है। वह यह भी बताती है कि उसकी मम्मी को उसके पापा ने क्यों छोड़ दिया था और वह रियल एस्टेट में काम करने लगी और उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रही थी। इस बीच निक का कजन अनुमान लगाता है कि वह किस परिवार से हो सकती है। वह सभी अमीर परिवारों का अनुमान लगा रहा था और निक उसे वहां से ले गया। दूसरी ओर एस्ट्रिड को पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था, जो उसके लिए खतरनाक था। बात करते समय रेचल गलती से निक पर अपना कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है और वह अपने कमरे में एक नया सूट लेने के लिए चला जाता है। कमरे के अंदर उसकी मम्मी आती है और उसके लिए उसकी शर्ट तैयार करती है। वह बताती है कि उसे अपना बिजनेस संभालना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसके पापा को भी एक या दो दिन की छुट्टी मिल सके। पार्टी में रेचल और पिक के बारे में कहा जा रहा है कि ये सभी लड़कियां उससे जलती है क्योंकि वह निक से डेटिंग कर रही है, जो यंग परिवार की सबसे अमीर विरासतों की लिस्ट में है। निक की दादी भी रेचल से मिलती है और वह उससे इम्प्रेस होती है। वह उसे कहती है कि वह उसे बाद में डंपलिंग्स बनाना सिखाएगी, इसलिए उसे जल्दी वापस आना चाहिए। निक की मम्मी इससे थोड़ी जलती है। अगले दिन एक बड़ी बैचलर पार्टी का दिन है। रेचल को अरमिंता ली उनकी अपनी लड़कियों की पार्टी के लिए दूर ले जाती है। इस बीच लड़कों ने कहीं और अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली है। रेचल का परिचय अमांडा लिंग नाम की एक लड़की से भी हुआ, जो निक यंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। निक और कॉलिन को पार्टी पसंद नहीं है। उन्होंने समुद्र के बीच में एक पार्टी का आयोजन किया है। ये पार्टी एक जहाज पर होती है जहाँ ढेर सारी लड़कियाँ, बाइक्स, पुल, शराब और बहुत कुछ होता है, मतलब फुल अय्याशी, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। अगले दिन रेचल और अमांडा दोबारा मिलते हैं और वह रेचल की इंसल्ट करती है जिससे वह रोती है और वह वहां से चली जाती है। बीच में उसकी मुलाकात एस्ट्रिड से होती है। वह अपने होटल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। वह उन्होंने पाया कि लड़कियों ने उनके बारे में कुछ बुरा लिखा है और उसे गोल्ड डिगर कहा है। यह रात का समय है और एस्ट्रिड भी रेचल को बताती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। बाद में निक और रेचल शिकायत करने वाली सभी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। निक बताता है कि वह वास्तव में दूसरी सभी महिलाओं से अलग है, चाहे कुछ भी हो जाए वह साथ रहेंगे। वह दादी के पास जाते हैं जहां वे बहुत सारे डंपलिंग्स बनाते हैं। उसने निक की मम्मी एलेनोर से उस अंगूठी के बारे में पूछा, जिस पर वह बताती है कि यह निक के पापा ने दी थी जब उन्होंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वह बताती है कि जब उसने निक के पापा से शादी की तो वह शादी से पीछे हट गई और उसने परिवार को पहले रखा, क्योंकि वह रेचल को जताना चाहती थी कि उसने अपना काम और पैशन छोड़ दिया। परिवार की मीटिंग के बाद एलेनोर ने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में भी बात कही। वह फिर रेचल को समझाती है कि उस समय निक की मम्मी को खुद पर जरा भी भरोसा नहीं था। वह मॉडर्न महिला नहीं थी, लेकिन परिवार का साथ पाने में उन्हें कई साल लग गए क्योंकि उन्होंने परिवार के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। एंड में वह सुझाव देती है कि रेचल को इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। इससे रेचल बहुत परेशान है, यहाँ तक कि निक के साथ पूरी राइड के दौरान वो शांत ही रहती है। वहाँ वह उसे बताती है कि उसे निक की मम्मी को साबित करने की जरूरत है कि वह निक की पत्नी होने के योग्य है। कुछ दिन बीत जाने के बाद फाइनली निक के भाई की शादी का दिन आ गया। शादी के दिन उसने बहुत सारे कपड़े आजमाए और वह वंडरफुल ड्रेस के साथ बाहर निकली। जब वह शादी में पहुंचती है, रेचल अपनी खूबसूरती से सभी को चौंका देती है। मनमोहक करने वाला दृश्य दिखाया जाता है। उसने अमीर लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण भी बदल दिया है। इस बीच एस्ट्रिड ने अपने पति को बताया कि वह जानती है कि वह उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहा है। वह बताता है कि वह जो कुछ भी उसके लिए करता है अब वो उसे पागल हो गया है, क्योंकि उसकी पत्नी वह है जो हमेशा सुर्खियों में रहती है। वह सारा दोष उस पर डाल देता है और उसे रोता छोड़ देता है। शादी में रेचल मिस एलेनोर के पास जाती है और वह मिस एलेनोर से पूछती है कि क्या वह उसके साथ बैठ सकती है, लेकिन वह इससे इनकार करती है। इसके कारण रेचल प्रिंसेस के साथ बैठती है क्योंकि वह प्रिंसेस से उसके द्वारा लिखे गए एक आर्टिकल के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वह रेचल और निक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक बार फिर से प्यार में पड़ जाते हैं। शाम को सभी लोग नाच गा रहे हैं और बड़ी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ एलेनोर ने एक आदमी को हायर किया जिसने रेचल के पिछले जीवन को देखा। उसे पता चला कि उसके पापा का चाइना में निधन नहीं हुआ था और वह अभी भी जिंदा है।
एकदम चलते फिरते। रेचल की मम्मी उसके पापा को धोखा दे रही थी और इस तरह रेचल का जन्म हुआ, इसलिए उसकी मम्मी चाइना से भाग गई। इस कारण निक का परिवार अब उससे कोई संबंध नहीं रख सकता। इससे रेचल लगभग रोने लगती है और वह तुरंत वहां से निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह लगभग बेहोश होने वाली है। निक रेचल तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन वह बात नहीं करना चाहती। अगले दिन रेचल की मम्मी घर पहुंचती है और खुलासा करती है कि उसने अपने पापा के बारे में उसे झूठ बोला क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। मम्मी के कहने पर रेचल एक बार फिर निक से मिलने के लिए सहमत हो जाती है। जब निक उससे मिलता है तो वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उससे कहता है कि वह उसके लिए सब कुछ पीछे छोड़ देगा। ठीक इसके बाद हम अगले सीन में आते हैं जहाँ रेचल ने निक की मम्मी को कम से कम एक बार मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ वह इमोशनल होकर बताती है कि निक ने उसे कैसे प्रपोज किया लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि निक एक बार फिर अपनी मम्मी को खो दे। वह उससे इतना प्यार करती थी कि उसकी खुशी के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। रेचल ने निक की मम्मी को आगे बताया कि वह इसलिए भी निक से दूर जा रही है कि जब निक की शादी उससे होगी तो उसे याद रखना चाहिए कि वह अपनी मम्मी से दूर हो जाएगा, वो भी उस गरीब लड़की की वजह से। ये कहकर वह चली जाती है। निक की मम्मी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और अपने आंसू पोंछ रही होती है। अगले दिन एस्ट्रिड भी अपने पति को छोड़कर अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। रेचल निकलती है और अपने दोस्त पिक को गले लगाकर अलविदा कहती है। जब प्लेन उतरने वाला था निक और उसकी मम्मी ठीक पहले वहां पहुंच जाते हैं और रेचल से बात करने की कोशिश करते हैं। रेचल को देखकर वे उसी अंगूठी को अपनी मम्मी से मांगता है जो निक की मम्मी ने पहनी हुई थी और वे उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वे न्यूयॉर्क वापस जाने का फैसला करते हैं लेकिन सिंगापुर में एक बड़ी शादी की पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। रेचल आखिरी बार मिस एलेनोर को देखती है और निक और वो एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहानी यहाँ एक बड़े सेलिब्रेशन के साथ खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।